गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू टूडेन जियोग्राफी की बुक है, है अर्थ okay? यहाँ पे एनिमल्स आर सो लिविंग मेजर डोमेन्स दिस वर्ल्ड वॉट इज द नेम ऑफ दिसमेन राइट अटेंस अबाउट इट ओके यहाँ पे देखिए कुछ एनिमल्स दिखाए गए हैं वो कहाँ रहते हैं इसको आपको बताना है ओके okay? चलिए देखते हैं चैप्टर में क्या है द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट ऑल लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स सच एज लैंड वाटर एंड एयर आर फाउंड ऑन द अर्थ अर्थ जो है क्या है एक ऐसा प्लेनेट है ना एक ऐसा ग्रह है जहाँ लाइफ है लाइफ मौजूद है जीवन मौजूद है ठीक है और जीवन जो है क्या है स्थाई तत्व है स्थाई तत्व उसके क्या क्या है जैसे लैंड वाटर एंड एयर ठीक है ये जो है पृथ्वी पर है आपके लैंड वाटर एंड एयर इट मीन्स धरती भूमि पानी और हवा ओके द अर्थ हैज फोर रिले रिलेम्स वी कॉल देम रिथोस्फेयर द सॉलिड पोर्सन ऑफ द अर्थ हाइड्रोस्फेयर वाटर इन इट्स ऑल फॉर्म्स atmosphere the gases layer that surrounding the earth uh, surround the earth we find land water and air together in the biosphere which contain all form of life let us discuss they one by one okay aapke jo hai jo hamara earth hai jo hamari prithvi hai usme kya hai four hai na char uske chhetra hai ठीक है फोर रिलेम रिम्स ओके चार उसके क्षेत्र हैं वी कॉल देम लिथमोसफियर लिथोस्फीयर जिसको जिसको हम क्या बोलते हैं लिथोस्फीयर किसको बोलते हैं द सॉलिड पोर्सन ऑफ द अर्थ जो सॉलिड पोर्सन uh, है अर्थ का पृथ्वी का उसको हम क्या बोलते हैं लिथोसफेयर बोलते हैं ओके एंड हाइड्रोस्फेयर किसको बोलते हैं वाटर इन इट्स ऑन इट्स ऑल फॉर्म्स जहाँ पे वाटर वाटर है पानी पानी है उसको हम क्या बोलते हैं हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं एंड एटमोसफियर किसको बोलते हैं जहाँ पे गैस का लेयर है है ना सराउंडिंग द अर्थ सराउंड द अर्थ पृथ्वी के चारों ओर जो गैस का लेयर है उसको हम एटमोसफेयर बोलते हैं वी फाइंड लैंड वाटर एंड एयर टुगेदर इन द बायोस्फीयर और जहाँ पे लैंड uh, है वाटर है एंड एयर है उसको हम क्या बोलते हैं बायोस्फीयर बोलते हैं ओके विच कॉन्टेंस ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ ये जो है पूरी चीज़ें हमारी क्या है जीवन के लिए ज़रूरी है ओके okay? लेट एस डिस्कस दैम वन बाई वन ओके चलिए इसको हम क्या है एक एक करके इसको हम जानते हैं ओकेर okay? <laughs> के बारे में दिया है द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर लैंड कवर्स अबाउट ट्वेंटी नाइन परसेंट एंड वाटर अबाउट सेवेंटी वन परसेंट ऑफ द अर्थ सरफेस द सॉलिड आउटर लेअर ऑफ द अर्थ ऑन विच वे लाइफ consists of rocks and minerals this layer is called the lithosphere the greek word lithos means rock the lithosphere includes all type of land masses the large land masses are called continents while the large water bodies that surrounding uh, sorry surround the continents are called oceans okay लिथोस्फेयर क्या है देखिए यहाँ पे एक लिथोस्फेयर के बारे में एक डायग्राम दिया गया है है ना जो पृथ्वी की सतह है है ना उसमें क्या है पृथ्वी की सतह किससे बनी है लैंड एंड वाटर से बनी है ठीक है ये जो है भूमि और पानी से बनी है लैंड एंड वाटर से बनी है उसमें क्या है ट्वेंटी नाइन परसेंटेज जो है पृथ्वी के सतह है और सेवेंटी वन परसेंट जो है क्या है उसमें पानी है है ना हमारे अर्थ में जो है क्या है सेवेंटी वन परसेंट जो हिस्सा जो है वो क्या है पानी है ये आप सब जानते हैं और पृथ्वी की जो ठोस लेयर है है ना जो आउट लेयर है उसमें क्या करते हैं हम उसमें हम रहते हैं उसमें हम जीते हैं ठीक है और इसमें क्या होता है इसमें दो चट दो सॉरी चट्टाने होती हैं जो जिसको खनिज बोला जाता है है ना उसको हम क्या बोलते हैं बहुत सारे उसके अंदर में मिनरल्स है खनिज हैं ना मिनरल्स हैं तो उसमें क्या है उसको हम क्या बोलते हैं लिथोस्फीयर कहते हैं है ना ये जो है ग्रीक शब्द से लिया गया है ना ये ग्रीक शब्द का वर्ड ग्रीक शब्द है जो है लिथोस्फीयर और इसको जो है लिथोस जो है उसको है हम क्या बोलते हैं रॉक बोलते हैं ओके इसमें क्या होते हैं सभी प्रकार के लैंडमार्क शामिल होते हैं ओके okay? लिथोस्फेयर में इंक्लूड ऑल टाइप्स लैंड मार्क्स इसमें सभी प्रकार के जो है लैंड जो है वो शामिल होते हैं एंड इसको क्या बोला जाता है महाद्वीप बोला जाता है ठीक है और महाद्वीप को घेरने वालों को ओके okay? महाद्वीप के घेरते हैं जिसको उसको हम क्या बोलते हैं महासागर कहा जाता है ओके लिथोसफेयर निकायों को हम क्या बोलते हैं महासागर बोलते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द लिथोस्फेयर इज कार्ड क्रस्ट ठीक है इसका जो अपर लेयर होता है लिथोस्फेयर में उसको हम क्या बोलते हैं क्रस्ट बोलते हैं ठीक है इट इज ऑल्सो कॉल्ड द कंटेंटल क्रस्ट दिस क्रस्ट इज मेड ऑफ सॉयल इट इज रॉक्स रिच इन सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम इट्स थिकनेस वेरियस बिटवीन टेन एंड सेवेंटी फाइव किलोमीटर विथ एन एवरेज थीक्नेस ऑफ अबाउट थर्टी फाइव किलोमीटर इट इज़ थकर अंडर द माउंटेन्स ठीक है द ओके क्रस्ट इज द लोअर क्रस्ट एंड इट इज़ फाउंड बिलो द ओके ओशियन एज वेल एज अंडर द सील इट इज ऑल्सो कॉल्ड सीमा एज इट इज मेड अप सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम इट इज मस्ट थीनर विथ इन एवरेज थीनेस ऑफ अबाउट सेवन किलोमीटर ओके जो इसकी परत होती है।, है ना इसको हम क्या बोलते हैं क्लस्ट बोलते हैं और वो जो कैसी होती है वो बनी है सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम की ओके एंड थिकनेस इट मीनस उसकी मोटाई जो है कितनी है उसकी मोटाई जो है आपकी आ, सेवेंटी फाइव किलोमीटर्स एवरेज के हिसाब सेवेंटी फ़ाइव से थर्टी फाइव किलोमीटर्स एवरेज के हिसाब से जो है क्या है उसकी थीकनेस है ओके okay? और वो कहाँ है अंडर द माउंटेन में ठीक है अंडर द माउंटेन में है एंड द ओकेजन ओश एंड जो ओशैनिक कर्स, क्रस्ट है वो लोअर क्रस्ट है ठीक है और ये कहाँ है एज वेल एज अंडर द सी ओके इट इज आल्सो कॉल्ड सीमा ये जो है उसके और अंदर रहती है जिसको हम क्या बोलते हैं सीमा बोलते हैं और ये जो है मैडम किसकी बनी होती है सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम की बनी होती है ओके इट इज मस्ट थिनर विथ एन एवरेज थिकनेस ऑफ अबाउट सेवन किलोमीटर एंड इसकी जो मोटाई है थिकनेस है वो कितनी होती है लगभग सेवन किलोमीटर होती है ओके कॉन्टिनेंट्स देयर आर सेवन कॉन्टिनेंट्स कितने कॉन्टिनेंट्स हैं सेवन कॉन्टिनेंट्स हैं ओके कौन कौन से हैं एशिया अफ्रीका यूरोप नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्टिका मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट लाई इन द नॉर्थर्न हेमस्फेयर वेरियस मोस्ट ऑफ द सीज एंड ओशियन आर प्रेजेंट इन द साउथर्न हिमस्फेयर ओके समुद्र और महासागर के जो हैं ये सब क्या रहते हैं महाद्वीप के जो अधिकांश जो समुद्र और महासागर है वो आपके सर्थेन एमोस्फेयर में रहते हैं ओके एशिया इज़ द लार्जेस्ट कंटेन्ट कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड इट इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूरल माउंटेन द यूरल रिवर एंड द सी मोस्ट ऑफ एशिया लाइज नॉर्थ ऑफ द इक्वटर यंगस्टे कियांग आर, चियांग जियांग इज इट्स लॉन्गेस्ट रिवर इट फ्लोज थ्रू चाइना ओके एशिया जो है क्या है सबसे बड़ा महाद्वीप है ठीक है सबसे बड़ा वर्ल्ड uh, का सबसे बड़ा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंस है इट मीन्स महाद्वीप है ओके इट इज सेपरेट और ये जो है क्या है सेपरेट है किसमें उरल पर्वत है ना माउंटेन उरल माउंटेन उरल रिवर से ठीक है और जो है कैस्पियन सागर से अलग किया गया है इसको ठीक है इसको यूरल माउंटेन एंड यूरल रिवर और कैप्सियन सी है जो है ना उसको जो है क्या बोलते हैं कैश प्लान बोला जाता है कैसपियान लिखा है इंग्लिश में लेकिन वो उसका नाम है कैस प्लान ओके कैसपियान सी से उसको अलग किया गया है ठीक है मोस्ट ऑफ एशिया लाइज नॉर्थ ऑफ इक्वेटर अधिकांश ने ल, आ, क्या बोलते हैं इसको चीन अफ्रीका के माध्यम से सबसे लंबी नदी सबसे लंबी नदी जो है है ना वो लेफ्ट एंड में बहती है ठीक है कहाँ बहती है लेफ्ट इन एंड में बहती है ओके इसका क्वार्टर नॉर्थ क्वार्टर है ना क्वार्टर टैयांग या जो चियांग है वो चीन अफ्रीका के माध्यम से सबसे लंबी नदी लेफ्टिनेंट में बहती है ठीक है समझ में आ गया एशिया जो है क्या है दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है ठीक है ये जो है ये सेपरेट है और इसको कहाँ से अलग किया गया है यूरोप को उराल माउंटेन मीन्स उराल पर्वत उराल नदी और जो कैप्सियान सी है उसे अलग किया गया है ठीक है और जो है क्वार्टर टियांग है या क्वार्टर uh, टियांग या चियांग है उसको चीन अफ्रीका के माध्यम से सबसे इसके माध्यम से जो है सबसे लंबी नदी कहाँ बहती है वो एंड में बहती है ठीक है अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड एशिया जो है क्या है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है ओके कवरिंग अबाउट वन फिफ्थ ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस द Continent is surrounded by the Atlantic Ocean in the west and the Indian Ocean in the east. Africa is joined to Asia by the Isthmus of Switzerland. Most of the Africa is a west plateau with the Atlas Mountain in the northwest and the Cape Pranks in the south. It has the world largest hot desert. हॉट डिजर्ट द सहारा डिजर्ट ठीक है कालाहारी एंड नमीप आर दिजर्ट इन अफ्रीका ओके ये क्या है इसको देखते हैं ये जो है दुनिया का अफ्रीका जो है क्या है दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है जो एडी सेल सरफेस से है ना एरडी सेल सरफेस के लगभग एक चौथाई हिस्से को कवर करता है ओके okay. किसको कवर करता है एरडिस एल सरफेस के लगभग एक चौथाई हिस्से को कवर करता है ओके एंड ये महाद्वीप जो है पश्चिम में अटलांटक अटलांटक ओकन और पूर्व में जेंडियन महासागर से है ना जेंडियन महासागर से घिरा हुआ है ठीक है और ये जो है इसके द्वारा इसला में शामिल हो गया है और यहाँ पे एक विशाल पठार है उत्तर पश्चिम में एटलस पहाड़ों और दक्षिण में केप पर्वतमाला के साथ में ओके लेफ्टेंट बेस्ड दुनिया का लॉन्टल रेगिस्तान है जिसको क्या बोला जाता है सहारा डेजर्ट बोला जाता है ओके ये जो है लॉन्गटल है लॉन्गेस्ट ऑर्ट डेजर्ट है गर्म स्थान है दुनिया का ठीक है जिसको सहारा डेजर्ट कहा जाता है एंड कालाहारी और नमीब ठीक है ये कालाहारी और नमीब जो है क्या है अन्य और रेगिस्तान है ओके okay? किसके अफ्रीका के ही ओके okay? अफ्रीका के और अन्य जो है क्या है कालाहारी और नबीब रेगिस्तान है और ये जो सहारा डेजर्ट है वो एक हॉट डेजर्ट है ठीक है यूरोप इज दिक्स लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट्स यूरोप जो है क्या है छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है कवरिंग अबाउट वन फिफ्टीन ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस यूरोप फॉर्म्स ए कंटिन्यूस लैंडमार्स विथ एशिया एंड सो टूगेदर दे आर कॉल्ड यूरेशिया इट इज बाउंडेड बाई द आर्कटिक ओशियन इन द नॉर्थ द एटलांटिक ओशियन इन द वेस्ट एंड द मेडिट्रेनियन सी एंड द ब्लैक सी इन द साउथ ओके ये जो है यूरोप जो है सिक्सवा uh, है ना सिक्स नंबर का यानी कि छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है जो एबला के साथ ओके जो एशिया के साथ पृथ्वी की भूमि है ना यूरोपो फॉर्मसा सहित क्या है भूभाग के बारे में जो है क्या करता है बताता है अबाउट बताता है उसके बारे में बताता है ओके और वो जो है इसलिए इसको एक साथ क्या बोला जाता है यूरेशिया बोला जाता है ठीक है ये जो है यूरोप फॉर्म्स ए कंटिनें लैंडमार्क विथ एशिया यूरोप का जो फॉर्म है वो कंटिन्यूस किससे जुड़ा हुआ है एशिया से जुड़ा हुआ है ना एंड सो टुगेदर दे आर कॉल्ड यूरेशिया इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं क्योंकि यूरोप और एशिया के लैंडमार्क जो हैं एक साथ है इसलिए इसको क्या बोला जाता है यूरेशिया बोला जाता है ओके इट इज़ बाउंडेड बाई द आर्टिका आर्कटिक ओशियन इन द नॉर्थ और ये जो है किससे बाउंड है चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है आर्कटिक ओशियन से दक्षिण आर्कटिक ओशियन से घिरा हुआ है ठीक है द एटलांटिक ओशियन इन द वेस्ट और पश्चिम में जो एटलांटिक महासागर है एन मेडि एन मेडिटनियन सी एंड द ब्लैक सी इन द साउथ और जो भूमध्य सागर है है ना और टी ब्लैक सीन जो है क्या है छत्तीसगढ़ में है ब्लैक सी जो है वो कहाँ है छत्तीसगढ़ में है ओके सॉरी दक्षिण में है ओके कहाँ है साउथ ईस्ट इट दक्षिण में है ओके एक बार मैं और रिपीट कर देती हूँ इसको यूरोप जो है छठा जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है है ना जो वन फिफ्टीन है ना कवरिंग किया गया है अर्थ में जो है पृथ्वी में है जो भूमि है उसका वन फिफ्टीन परसेंटेज कवर जो है क्या है वो यूरोप में है और यूरोप के कॉन्टीन्यूस लैंडमार्क जो है कि इससे जुड़े हुए हैं एशिया के साथ जुड़े हुए हैं इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं यूरेशिया बोलते हैं इट इज बाउंड इन इट इज बाउंडेड बाई द आर्टिक ओशियन इन द नॉर्थ ये जो है दक्षिण एटलां आर्कटिक ओशियन से जुड़ा हुआ है ओके द एटलांटिक ओशियन इन द वेस्ट और जो ये पश्चिम के है ना ये जो है पश्चिम एटलांटिक महासागर से और मेरी आ, टेनियन सी मैंने भूमध्य सागर से और जो साउथ में जो दक्षिण में है वो ब्लैक सी से जुड़ा हुआ है ठीक है नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड और नॉर्थ अमेरिका क्या है थर्ड राजेश मानी तीसरा जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है रिवर मिसिपी इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स और जो रिवर मिसिपी है है न मिसिसिपी है वो महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है ठीक है क्या है मिसिसिपी जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द कॉन्टिनेंट सो महाद्वीप की सबसे बड़ी लंबी नदी है दिस कॉन्टिनेंट इज सराउंडेड ऑन द नॉर्थ बाय द आर्कटिक ओशियन और ये जो कॉन्टिनेंट्स है वो चारों तरफ से किसी की हुई है नॉर्थ मीन्स दक्षिण आर्कटिक महासागर से एंड ऑन द ईस्ट द बाई एटलांटिक ओशियन और पूर्व में जो है एटलांटिक महासागर से एंड द पैसिफिक ओशियन इन द वेस्ट और पश्चिम के फैसिफिक ओशियन से जुड़ी हुई है नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका वेयर वंस ज्वाइन बाय द पनामा इतमस ओके ये क्या है नॉर्थ उत्तर और दक्षिण अमेरिका को एक बार पनामा आ, पनामा इस्तमश है वो झटका दिया था ठीक है नॉर्थ अमेरिका जो है क्या है नॉर्थ अमेरिका इट मीन्स उत्तरी अमेरिका है ना जो है थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनें इन द वर्ल्ड तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है रिवर मिसिसिपी इज़ द लार्जेस्ट रिवर लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स और जो uh, नदी मिसिसिपी है वो महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है ये जो है क्या है महाद्वीप पार्कटिक महासागर द्वारा पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में और पश्चिम में पैसिफिक महासागर से जो है उत ये जुड़ी हुई है चारों ओर से घिरी हुई है नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका जो है उत्तर और दक्षिण अमेरिका को एक बार जो है पनामा तर्स ने झटका दिया था ओके ज्वाइन बाय द पनामा इसम इसने ज्वाइन किया था इसने झटका दिया था ओके चलिए आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अभी के लिए थैंक यू